कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चैत का, उस पर तेरा जमाल भी। परवीन शाकिर साहिबा। और कुछ गज़लें किसी भी शायर की ज़िंदगी में ऐसी हो जाती हैं, कुछ शेर किसी भी शायर की ज़िंदगी के ऐसे हो जाते हैं कि उनसे वो उनकी पहचान बन जाते हैं। ये गज़ल परवीन शाकिर साहिबा की इन्हीं गज़लों में से एक, जिसको आज हम लोग गज़ल की कहानी सीरीज़ में रिसाइट भी करेंगे और इंटरप्रेट भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इस गज़ल के साथ जो बुक है उसका लिंक मैंने नीचे रख दिया है, आप इस लिंक पे जाकर के परवीन शाकिर साहिबा की किताब को आप खरीद सकते हैं। और जो मेरी सोशल प्रेजेंस है वो आप लोगों को दिख रही है, सामने आ गई है। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे मैं नौशाद मुंतज़िर के नाम से हाजिर हूँ, पॉडकास्ट पे स्पॉटिफाई, एप्पल गाना पे, बाकी सब पे मैं भी उसी नाम नौशाद मुंतज़िर के नाम से हाजिर, तो वहाँ भी आपसे मुलाकात हो जाएगी तो शामें बेहतरीन हो जाएगी। तो लीजिए मैं इब्तदा करने जा रहा हूँ। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल, आप मुलाकात फरमाएं। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चैत का, उस पर तेरा जमाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल भी। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तराश के देख ले, शीशा गिराने शहर के हाथ का ये कमाल भी। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तराश के देख ले, शीशा गिराने शहर के हाथ का ये कमाल भी। उसको न पा सके थे तब दिल का अजीब हाल था, अब जो पलट के देखिए बात ही कुछ मुहाल भी। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल भी। उसकी सुखन तराजियां मेरे लिए भी ढाल थी, उसकी सुखन तराजियां मेरे लिए भी ढाल थी, उसकी हंसी में छुप गया अपने गमों का हाल। उसके ही बाजुओं में और उसको ही सोचते रहे, जिस जिस्म की ख्वाहिशों पे थे रूह के और जाल थी। शाम की ना समझ हवा पूछ रही है एक पता, शाम की ना समझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे हवा के कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल भी। मौजे हवा के कुए यार कुछ तो मेरा ख्याल भी। ये गजल अपने मुकाम पे पहुंचती है और बिना वक्त जाया किए मैं आपको सीधे इंटरप्रिटेशन के लिए चल रहा हूँ इस गजल के, आप मुलाजा फरमाएं। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। हवा में खुनक थी, हवा सर्द थी, और याद मुझे मेरे महबूब की आ रही थी, और इस ख्याल के साथ, मेरे महबूब के ख्याल के साथ दिल को खुशी बहुत थी इस बात की कि ऐसे मौसम में महबूब का ख्याल मेरे जहन में है। लेकिन मलाल भी था, मलाल इस बात का
महबूब का ख्याल जरूर है, महबूब साथ में नहीं है। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चैत का, उस पर तेरा जमाल भी। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, उनसे मुलाकातों की रातें हैं, उनसे मुलाकातों की रातें जो दूसरे तीसरे पहर तक पहुंच जाती थी, और वो रातें जो पूरे मुलाकातों की होती थी उसको पूरे चांद से इक्वेट कर रखा है पोएट ने। तो पूरी मुलाकात इस टेंटामाउंट टू फुल मून, जैसे पूरा चांद वैसे मुकम्मल मुलाकात। चांद भी एन चैत का चांद मतलब फुल मून नाइट, चांद भी एन चैत का और उस पर तेरा जमाल भी, और वो चांद चैत का चांद फुल मून नाइट, क्या बेहतरीन खूबसूरत रात, और उस पर तेरा जमाल भी और उस पर तेरी खूबसूरती। मतलब चांद से महबूब को सीधे तौर पे कंपेयर करने का शायरा का अपना तरीका, और बहुत ही उम्दा तरीके से। चांद भी ऐन चैत का उस पर तेरा जमाल भी, सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तो रुक गई गर्दिशे माहो साल। वो मुझे पूरी महफिल पूरी भीड़ में से छांट करके जिस तरह से वो देखता है आया है, और मुझे देखता है उसकी नजर से ऐसा लगता है कि जो दिन और रात और साल हो रहे हैं अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से, और रोटेशन की वजह से दिन रात हो रहे हैं और रिवोल्यूशन की वजह से साल बदल रहे हैं, वो शायद सब कुछ थम गया है और सिर्फ एक माहौल है, वो महफिल के उस तरफ है, मैं महफिल के इस तरफ हूँ, और वो मुझे जिस नजर से देख रहा है वो अपने आप में कमाल की। दिल तो चमक सकेगा क्या फिर भी तराश के देख ली, शीशा गिराने शहर के हाथ का ये कमाल। दिल मेरा टूट चुका है, दिल के अब जुड़ने की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफा और चल तराश के देख लेते हैं, क्योंकि मैं उस शहर में हूँ, शीशा गिराने शहर, मैं उस शहर में हूँ जो शहर शीशा बनाने वालों का है, शीशा तराशने वालों का है। शीशा गिराने शहर के हाथ का ये कमाल भी, मतलब यहाँ पर पोएट का कहने का ये मतलब है कि दिल टूट चुका है, उसके जुड़ने का अब सवाल नहीं है, एक फिर भी एक कोशिश करके देखी जा रही है। शीशा गिरान शहर, जैसा कि डायरेक्टली मीनिंग है कि शीशा तराशने वाले बनाने वालों का शहर, यहाँ पे बात ये आती है कि एक नया महबूब जो कि उसके दिल को तराशने की कोशिश कर रहा है, वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा है। शीशा गिराने शहर के हाथ का ये कमाल, तो लाओ उसके हाथों में, एक नए महबूब के हाथों में अपना दिल दे दिया जाए, वो उसको तराश देगा, वैसे जुड़ जाए इसकी कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन फिर भी चलो एक बार दे करके देख लिया जाए, एक बार मौका दे दिया जाए। उसको ना पा सके थे जब दिल का अजीब हाल था, बहुत सिंपल लाइन, उसको जब हम नहीं पा सके तो दिल का अजीब हाल था, दिल बुरे हाल में था, अब जो पलट के देख लिए, अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ मुहाल भी। अब अगर पलट के देखता हूँ उस शख्स को जिसको मैं नहीं पा सका, तो लगता तो है कि हाँ मुश्किल तो था उसको पाना। मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला, तो बहुत मशहूर शेर उनकी इस गजल का, परवीन शाकिर साहिबा की गजल का, जिस शेर ने उनको मशहूर बना दिया, या वो मशहूर जब थी तो और मशहूर कर दिया, मुझे ये कहना चाहिए। मेरी तलब था एक शख्स वो जो नहीं मिला तो फिर, मेरी तलब मेरी चाह वो एक शख्स था, और वो जब नहीं मिला तो फिर क्या हुआ, हाथ दुआ से यूं गिरा भूल गया सवाल, मेरा हाथ दुआ से गिर गया, मैं दुआ मांगना छोड़ दिया, और मैं वो सवाल भी भूल गया, मतलब मैं वो दुआ भी भूल गया जो मैं मांग रहा था या मांग रही थी। उसकी सुखन तराजियां मेरे लिए भी ढाल थी, उसकी हंसी में छुप गया अपने गमों का हाल, उसकी सुखन तराजियां, उसके बात करने का लहजा ऐसा था कि वो मुझे भी ढांक लेता था दुनिया से, मुझे भी बचा लेता था दुनिया से।
उसकी हंसी में छुप गया अपने गमों का हार, और जब वो हंसता था तो उसकी हंसी में मैं खुद के गमों को भी छुपा करके और उसके साथ हंस देती थी। उसके ही ये आप शेर देखिए, मतलब उसके ही बाजुओं में और उसको ही सोचते रहे। इस दफा हाल ये है कि हम हैं उसके बाजुओं में ही, उसकी बाहों में ही, मगर सोच भी हमारी जहन भी क्या सोच रही है, उसी को सोच रही है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आदमी किसी और के बाहों में होता है और सोच किसी और को रहा होता है। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द टू थिंग्स। मगर इस बार ये है कि मैं हूँ उसी की बाहों में और सोच भी रही हूँ उसी को, जिस्म की ख्वाहिशों पे थे रूह के और जाल। हमारे जिस्म की जो ख्वाहिशें थी एक दूसरे के करीब आने की, उसमें रूहों के कई जाल भी थे, उसमें कई और शख्स भी थे जो हमें नहीं चाहते थे, हमें रोक देना चाहते थे कि हम एक हो जाएं, हम मिल जाएं और हम अलहदा हो जाएं। वो शख्स, वो लोग ये चाहते थे। जिस्म की ख्वाहिशों पे थे रूह के और जाल भी। शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे हवा ये कुए यार, कुछ तो मेरा ख्याल भी। शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, शाम की जो हवा है जो कि अपनी मस्ती में अपनी मौज में चली जा रही है, वो है नासमझ। और वो नासमझ हवा एक पता पूछ रही है कि उसका पता ये है कि वो बहते बहते, उसका पता ये है, वो जो पूछ रही है वो ये पता पूछ रही है, मौजे हवा एक कुए यार, बिलव्ड जो महबूब है, बिलव्ड है, मौजे हवा एक कुए यार, जो मेरा महबूब है उसकी गली का जो पता है, वहां तक जाने का पता पूछ रही है आज ये शाम की हवा। और ये नासमझ हवा है, ये नासमझ हवा इसलिए है क्योंकि अब वो महबूब मेरे साथ नहीं रहा, वो महबूब से मैं किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं रहा। तो अब ये नासमझ हवा जो पता पूछ रही है मेरे महबूब की गली का, उधर अगर वो चली भी जाए तो भी कोई मतलब नहीं रहेगा। शाम की नासमझ हवा पूछ रही है एक पता, मौजे हवा एक हुए यार, कुछ तो मेरा ख्याल भी। तो ये हवा अगर पहुंच भी जाए मेरे महबूब के गली तक और उसको छू के भी आ जाए मेरे ख्यालों में, तो भी अब इसका कोई मतलब नहीं बचा है। लीजिए ये गजल अपने अंजाम पे पहुंचती है, शाम अपने मुकाम पे। और बुक का लिंक मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा था कि डिस्क्रिप्शन में है। मैं कोशिश करता हूँ एक से ज़्यादा लिंक दूँ, ताकि जो मैंने किताबें पढ़ रखी हैं वो भी और आपको उसके अलहदा भी किताब वन ऑफ द बेटर चॉइस में मिल जाए। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक नज़र ज़रूर डालिएगा। परवीन शाकिर साहिबा की कलेक्शन। और बाकी आप मुझे दुआ मेरा याद रखें, मैंने आपको अपनी गज़लों में याद रख ही रखा है। नौशाद मुंतज़िर।